हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, साइंड और अनसाइंड, और अनसाइंड इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए, साइंड इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जो साइंड इंटीजर है आपका, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। उसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक, तो साइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होते हैं। बेसिकली तीन रिप्रेजेंटेशन यूज़ किए जाते हैं। एक तो है आपका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। सेकंड होता है आपका वन एस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, वन एस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा तरीका होता है 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से। तो देखिए, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन इंटीजर। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन इंटीजर में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो MSB होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो क्या होता है, वो होता है साइन बिट। ठीक है, और साइन बिट में भी क्या होता है कि अगर हमें जीरो, अगर वो जीरो है इसका मतलब कि पॉजिटिव है नंबर, और अगर वो वन है इसका मतलब निगेटिव है। ठीक, और बाकी के जो बिट बचते हैं भाई, टोटल अगर मान लीजिए, से टोटल अगर हमने कहा कोई एन बिट नंबर है, एन बिट नंबर, ठीक, तो उसमें एक बिट तो जीरो या वन होगा। जीरो होगा तो वो नंबर पॉजिटिव है, वन होगा तो निगेटिव है। तो ये या तो जीरो या वन होगा, और बाकी के जो एन माइनस वन बिट हैं, बाकी के जो एन माइनस वन बिट बचते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड यानी एक बिट तो हो गया साइन बिट, और बाकी के एन माइनस वन बिट हो गए मैग्नीट्यूड, मतलब टोटल ये एन बिट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन ले लें इस पे, कि सपोज कीजिए एन इक्वल टू आपको 8 दिया है, मतलब आपको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, और जो बाइनरी नंबर दिया है वो दिया हुआ है आपका से 0100000001 बाइनरी, ये नंबर दिया है। तो इस नंबर का मतलब क्या हो गया कि देखिए, ये इसमें क्या हुआ, ये साइन बिट हुआ क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ISB है, सॉरी MSB है, और ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीरो का तो मतलब हो गया कि ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक, और मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में, वो वीडियो भी आपके चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं आता है तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 65, किसमें, डेसिमल में। तो एक तरह से ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का 65 और डी फॉर डेसिमल। क्लियर, तो कोई भी नंबर अगर आप साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई और हम नंबर लें, सपोज कीजिए दूसरा हमने नंबर लिया, वो नंबर दिया हुआ है आपका एन इक्वल टू 8 दिया है, और जो नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ उसने किया हुआ 1000 और 0001 बाइनरी में। ठीक, तो अब इस ये कौन सा नंबर है, तो सिंपल वही करेंगे, ये MSB जो है मोस्ट, भाई किसी भी नंबर में आपको पता है ना, जैसे हमने मान लीजिए कोई नंबर लिखा 1010101, तो इधर से आप चलेंगे तो ये जो नंबर होता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि पोजिशनल वैल्यू हम लोग इसी तरह देते हैं ना, जैसे आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में जब पढ़ाया था तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, मतलब ये पोजिशनल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे राइट टू लेफ्ट बढ़ती है। तो
तो ये जो बिट होता है ये कहलाता है LSB, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो लास्ट इधर होता है ये कहलाता है MSB। MSB हो गया आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटर में, रिप्रेजेंटेशन में MSB जो है वो क्या दिखाता है, साइन, और चूंकि यहाँ पे ये वन है इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक। और इसका आप क्या कीजिए, डेसिमल कन्वर्जन कर लीजिए, तो डेसिमल कन्वर्जन आप करेंगे तो ये तो जीरो ही आएगा, ये वन ही आएगा, तो एक तरह से ये हो गया माइनस, ये नंबर हो गया माइनस वन डेसिमल में, ये आंसर हो गया आपका, क्लियर। मान लीजिए और कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन n इक्वल टू दिया हुआ है 8, और नंबर जो आपको दिया है वो दिया है 1, फिर 0 0 0, और फिर दिया है 0 0 0 0 बाइनरी में। अब इसका क्या होगा, तो इसका ये कौन सा नंबर होगा, तो देखिए ये साइन बिट है, 1 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, और बाकी ये मॉड आप निकाल लीजिए इनका मैग्नीट्यूड आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन से, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक तरह से जीरो। तो एक तरह से क्या आ गया आपका, ये आ गया माइनस का जीरो किस में, डेसिमल में, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट उस पर, नेक्स्ट है हम लोगों का 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड इंटीजर्स, ठीक। अब 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें दोबारा से MSB जो है वो आपका वही रहेगा, मतलब इसमें MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो वही रहेगा, अगर जीरो है तो पॉजिटिव है और वन है तो निगेटिव है, ठीक। बाकी के जो n-1 बिट होते हैं, ठीक है, द रिमेनिंग n-1 बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीजर, ठीक। तो ये तो हो गया MSB। अब जो n-1 बिट बचते हैं, टोटल n बिट्स है ना, इसमें ये क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, और अगर नेगेटिव इंटीजर है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द n-1 बिट बाइनरी पैटर्न्स, ठीक। अगर देखिए, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आप जैसे मैग्नीट्यूड लेते आए हैं उसकी मैग्नीट्यूड आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा देगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए ये हुआ, आप एक क्वेश्चन लीजिए, उससे आपको ज्यादा एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस थ्योरी को समझिएगा। सपोज कीजिए हमने n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक, और जो नंबर, नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसने दिया है 0100 और 0001, ये दिया है बाइनरी में, ठीक। अब इसकी इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू ये होगी, पहले तो हमने ये जीरो देखेंगे, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बाइनरी डेसिमल में, तो डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 65, तो ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया प्लस का 65D आंसर। ये वो चीज़ है जो ये पहला चीज़ बता रहा है। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सपोज कीजिए इसमें n इक्वल टू दिया हुआ है 8, और जो नंबर दिया है, नंबर उसने दिया है 1000 और 0001B, ये नंबर दिया है। अब देखिए
ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव, ठीक। तो जब निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वन एस कॉम्प्लीमेंट, वन एस कॉम्प्लीमेंट लीजिए आप इसका। तो वन एस कॉम्प्लीमेंट का भी मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, वो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो वन एस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि जीरो को वन से और वन को जीरो से इंटरचेंज करते हैं, मतलब जहां जहां जीरो है वहां हो जाएगा वन वन वन, फिर वन वन वन, और जहां वन है वहां जीरो, ये आ गया, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, पहले हमने वन एस कॉम्प्लीमेंट किया, फिर इसकी हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 126, ठीक, क्लियर। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा, इस वन की वजह से निगेटिव रहेगा तो ये आ गया माइनस, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव केस में हम इसी को उठा लेते थे, यहां पे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर यहां से जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, तो माइनस का 126D, ये हो गया आंसर, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर से मैं इसमें और ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सपोज कीजिए n इक्वल टू दिया हुआ है 8, ठीक, और बाइनरी और नंबर जो दिया हुआ है आपका दिया है 1 1 1 1 और फिर सारे, फिर ये भी 1 1 1 1 बाइनरी, ये नंबर दिया है और इसका बोल रहा है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। तो देखिए ये एमएसबी है, ठीक, ये क्या है, वन है, वन की वजह से क्या होगा, ये निगेटिव होगा नंबर, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर ये पॉजिटिव होता यहाँ पे तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते बाइनरी से डेसिमल में करके, चूंकि ये निगेटिव है तो इसका हम क्या करेंगे, वन एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और वन एस कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया, आप वीडियो लेक्चर को भी रिफर कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, वन एस कॉम्प्लीमेंट में आप डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, अगर वन है तो उसको जीरो कर देंगे और जीरो है तो वन कर देंगे, तो इसको जब आप इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो 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 और फिर ये आ जाएगा जीरो 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 जीरो, ये आ गया। अब इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यानी आंसर हमारा हो गया सीधा सीधा, निगेटिव लगा दीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए यहां से जीरो, किसमें, डेसिमल में, ये आंसर हो गया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। लेकिन इसमें जो दो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है, इसके जो दो मेन ड्रॉबैक है इस मेथड के, वो जरूर लिख लीजिए आप, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मेथड। क्या पहला क्या है कि देर आर टू रिप्रेजेंटेशंस फॉर जीरो, मतलब इसमें क्या है कि अगर हमें जीरो को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, जीरो अगर हमारा डेसिमल में है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक, ये भी जीरो को रिप्रेजेंट करेगा और हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो एक तो पहला ड्रॉबैक यह है कि जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन यूज किए जा सकते हैं, पहली चीज, मतलब एक ही नंबर को जीरो को ही रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ठीक है, देर आर टू मेथड, पहला मेथड और दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये और ये। और सेकेंड क्या है आपका, द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स नीड टू बी प्रोसेस्ड सेपरेटली, ठीक है ना। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपका आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर दोनों को अलग अलग प्रोसेस करना होगा, एक साथ नहीं प्रोसेस किए जा सकते, मतलब दीज टू विल बी प्रोसेस्ड
सेपरेटली, ये ध्यान रखिएगा सेपरेटली, ठीक है। तो ये जो 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है इसके ये दो मेन ड्रॉबैक है। अब उसके बाद इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए या इससे बेटर नेक्स्ट तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है वो यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वी कम टू द 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर का 2s कॉम्प्लीमेंट हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए रूल वही है, पहला सबसे पहला क्या है कि अगेन द MSB इज द साइन बिट विच इज जीरो फॉर पॉजिटिव। तो यानी जो MSB है हमारा, जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वो साइन बिट ही बताएगा, वो साइन बिट ही होगा। और अगर वो जीरो है तो नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो वन है तो नंबर निगेटिव है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट में, बाकी के जो एन माइनस वन बिट बचते हैं, तो बाकी के जो एन माइनस वन बिट्स हैं, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है, समझ रहे हैं, तो सीधा सीधा वो क्या दिखाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे उनकी, एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर वो निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो क्या दिखाएगा ये हम उसकी उसके 2s कॉम्प्लीमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। आई बात समझ में? अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, से सपोज कीजिए n इक्वल टू 8 दिया हुआ है और नंबर दिया है 0100001B, ये नंबर दिया है। अब इसमें क्या होगा, देखिए साइन बिट ये है, क्या है, पॉजिटिव मतलब सॉरी जीरो, जीरो मतलब पॉजिटिव है इंटीजर। जब पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, वैल्यू ले लीजिए। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 65, तो आंसर आ गया हमारा सीधा सीधा, इसमें कुछ करना नहीं, पॉजिटिव 65D। तो जब जब ये पॉजिटिव है तो आपको सीधे इसको बाइनरी टू डेसिमल करके आंसर लिख देना है। अब आ जाइए निगेटिव में, जब ये मान लीजिए एन इक्वल टू दिया हुआ है आपको 8, ठीक है, और नंबर दिया है 1000001 बाइनरी, ये नंबर दिया है। अब इसको जब हम निकालेंगे तो देखिए ये 1 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, ठीक। अब निगेटिव है इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करके लेंगे, हम क्या करेंगे इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका हम क्या करेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रिफर कर सकते हैं, तब भी फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसका, जैसे अभी निकाला था, और उसमें एक 1 ऐड कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए। यानी अगर इसकी हम बात करें 0000001, इसका अगर हमें 2s निकालना है तो पहले हम इसको 1s में चेंज करेंगे, मतलब ये 1 1 1 1 1 1 0, तो ये तो आ गया 1s। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए ऐसे, तो ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1, ये हुआ 2s। तो इस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट जब आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 और 1 1 1 1, ये आ गया। इसको अब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, समझ रहे हैं आप बात को, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या है नंबर, क्या 1000001 है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया था, ये आया था, अच्छा, और प्लस 1, ठीक है ना, हाँ, तो ठीक है, आप इसको, ये आपने 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया।
इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये हो जाएगा 127। या इसको आप दूसरे ढंग से, मान लीजिए ऐसे ना करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अभी अगर आप 2s के इसमें ना पढ़ना चाहें चक्कर में, तो आप इसको डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आता आ रहा है तो उसको देखिए मैं हम दूसरे मेथड से भी बता देते हैं, और अगर जिसको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है वो 2s कॉम्प्लीमेंट से निकाल सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम अगर ये नंबर निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक, और कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद उसमें हम वन करेंगे, प्लस वन करेंगे। ठीक, तो जब आप इसका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 0001111 हो गया, 000 का यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 126 और प्लस 1 ये वाला 1, तो ये हो गया 127। तो आंसर आ जाएगा हमारा निगेटिव का 127 डेसिमल, ये आंसर हो गया। ठीक, अब ये निगेटिव इंटीजर वाली एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको कि कोई भी निगेटिव इंटीजर होगा तो उसको, जैसे सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन दिया उसने फिर से एक n इक्वल टू 8, ठीक, और नंबर दिया हुआ है 1111111, ये बाइनरी में नंबर दिया हुआ है। ठीक, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अब देखिए साइन बिट जो है ये MSB, ये क्या 1 है, मतलब नंबर निगेटिव है। ठीक, अब निगेटिव है तो क्या करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 000 और 0000, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, और इसका फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करके, तो कितना 0 आ जाएगा, और इस 0 में फिर हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा डेसिमल में। तो इस निगेटिव को और इस साइन और मैग्नीट्यूड को मिला देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका -1 डेसिमल में, ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इससे देखिए इसमें जरूरत पड़ी थी 1s कॉम्प्लीमेंट की और 2s कॉम्प्लीमेंट की, तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट की सेपरेट वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा उनका लिंक, तो आप चाहे तो उनको भी, उससे भी उनको रिफर कर सकते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर इससे पर्टिकुलर कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।